मिहिर ने आलिया को अपसेट होते हुए देखकर कहा, अरे हाँ, उस रेगिस्तान की एक और बात है जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी और इस बात ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। आलिया ने जैसे ही मिहिर के मुंह से ये बात सुनी, वो बिल्कुल एक्साइटेड होकर बैठ गई और मिहिर के आगे बोलने का इंतजार करने लगी। तभी मिहिर ने कहा, उस रेगिस्तान में बहुत सारी झीलें हैं, झीलें। आलिया ने जैसे ही मिहिर के मुंह से झील का नाम सुन लिया, आलिया बिल्कुल हैरान हो गई और उसने शॉक्ड होते हुए कहा, क्या 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 कहा मिहिर? रेगिस्तान में झील? क्या सच में? मिहिर ने आलिया को इतना हैरान होते हुए देखकर कहा, हाँ, गौतम अंकल ने तो मुझे यही बताया था कि उस रेगिस्तान में कई सारी झीलें हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं उन्हें देखने जाना चाहता था, बट उसी दिन वहां पर कुछ भेड़ियों ने आकर हम पर हमला कर दिया, जिस वजह से मैं उस झील को देखने नहीं जा पाया। जैसे ही मिहिर ने यह बात बोली, मिहिर बोलते बोलते अचानक रुक गया और मिहिर ने अपने मन में कहा, शिट यार, ये मैंने क्या कर दिया। मुझे आलिया को ये भेड़ियों वाली बात बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने जल्दबाजी में आकर ये बात बोल दी। अब ये लड़की मुझसे और हजार सवाल पूछेगी। मिहिर ने आलिया की तरफ देखा, वो चुपचाप बैठी हुई थी और उसने अभी तक इस बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। मिहिर ने आलिया की तरफ देखते हुए सोचा, आलिया ने अभी तक मेरी बात पर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्या इसे मेरी बात समझ में नहीं आई, या फिर ये कुछ सोचने लगी है? क्योंकि ज्यादातर तो ये हर चीज पर तुरंत ही रिएक्ट करती है, लेकिन अभी तक इसने कुछ बोला क्यों नहीं? मिहिर ने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हुए कहा, हाँ, बस इतना ही है और कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था, सब कुछ नॉर्मल ही था। मिहिर इतना बोलकर जैसे ही चुप हुआ, तो आलिया ने मिहिर को घूरते हुए देखा और कहा, क्या बोल रहे हो तुम मिहिर? रेगिस्तान में भेड़िए कैसे आ सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना है रेगिस्तान का माहौल इतना ज्यादा गर्म और टफ होता है कि वहां पर किसी भी जानवर का जिंदा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आलिया की बात सुनकर मिहिर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, जब तक गौतम अंकल ने मुझे रेगिस्तान में ही पकड़े हुए किसी जानवर का मीट नहीं खिलाया था। मैं भी यही सोच रहा था कि रेगिस्तान में कोई जानवर कैसे जिंदा रह सकता है। आलिया ने मिहिर की इस बात पर पूरी तरह से गौर किया और कहा, मैं तुमसे भेड़ियों के बारे में पूछ रही हूँ मिहिर। अभी तुमने मुझसे कहा ना कि भेड़ियों के ग्रुप ने आकर तुम्हारे ऊपर हमला किया था, ऐसा कैसे हो सकता है, बोलो। आलिया की बात सुनकर मिहिर ने कहा, मैं गौतम अंकल के साथ रेगिस्तान में गया था, उन्हें रेगिस्तान में रहने का बहुत तजुर्बा था और उन्होंने ही मुझे रेगिस्तान के बारे में इतनी सारी चीजें बताई, और उनके लिए तो जंगली जानवरों का सामना करना बिल्कुल नॉर्मल बात थी यार। मिहिर आलिया को जितना ही इन सब चीजों के बारे में बताता जा रहा था, उसका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो मिहिर की तरफ देखते हुए बोली, और आगे बताओ, अगर वो जंगली जानवर तुम लोगों के सामने आए थे तो फिर तुमने उनसे खुद को कैसे बचाया? जब मिहिर ने देखा कि आलिया उससे इसके बारे में पूछती ही जा रही है, तो उसने ज्यादा बहाने बनाने की कोशिश नहीं की और उसने आलिया को पूरी बात बताने का फैसला किया। मिहिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उस दिन जब मैं रेगिस्तान में गौतम अंकल के साथ पेड़ लगाने गया, तब अचानक 10-12 भेड़ियों के ग्रुप ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि हम लोग भी 12-13 लोग थे, हम लोग भेड़ियों को देखकर बिल्कुल भी नहीं भागे, इसलिए वो भेड़िए जब हम पर हमला करने के लिए आए तो हमने उन्हें तेज आवाज करके वहां से डरा कर भगा दिया। लेकिन हमने उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दिया, बल्कि जब वो भाग रहे थे तब हम लोगों ने उनका पीछा किया और तब मालूम है क्या हुआ, भेड़िए का एक छोटा सा बच्चा गड्ढे में गिर गया। तो मैं चाहता था उसे मार सकता था, लेकिन मैंने उसे बचा लिया और उस भेड़िए के सरदार ने बिना कुछ कहे चुपचाप वो इलाका छोड़ दिया। मिहिर ने आलिया को पूरी बात बता दी और आलिया उसकी बात बड़े गौर से सुन रही थी। आलिया ने मिहिर की पूरी बात सुनी और मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम पूरी बात को ऐसे सुना रहे हो कि मुझे ये किसी कहानी की तरह लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पर किस तरह से विश्वास करूं। मिहिर ने आलिया की बात सुनकर बड़े ही हैरानी से आलिया की तरफ देखा और कहा, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं और तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी? आलिया ने मिहिर की तरफ देखा, वो कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी मिहिर ने उसे चुप कराते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि अगर शायद मैं भी तुम्हारी जगह पर होता या कोई और भी होता, और अगर उसे मैं ये बात बताता या फिर मुझे कोई इस तरह की बात बताता, तो शायद मैं भी उस पर विश्वास नहीं करता। मिहिर को इस तरह बोलते हुए देखकर आलिया ने मिहिर के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें उन भेड़ियों से लड़ते टाइम डर लगा? मिहिर ने आलिया की बात सुनकर पहले तो आलिया को घूर कर देखा और फिर थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ, थोड़ा सा तो डर जरूर लगा था, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वो सारे ही भेड़िए काफी ज्यादा समझदार और मिलनसार थे। एक बार फिर आलिया का दिमाग घूम गया और वो मिहिर को बड़े हैरानी से देखते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा मिहिर, भला भेड़िए कैसे मिलनसार हो सकते हैं? मिहिर ने आलिया को पूरी बात एक्सप्लेन करते हुए कहा,
देखो, जब मैंने उन भेड़ियों के छोटे बच्चे को बचाया था, तब उन भेड़ियों के सरदार ने रुक कर मुझे देखा, और जैसे ही मैंने उसे उस गड्ढे से बाहर निकाला और जाने दिया, तो उसने पलट कर मुझे 2 से 3 बार देखा, और जैसे ही वो अपने भेड़ियों के ग्रुप में जाकर मिला, तो उन सभी ने मेरी तरफ देखकर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जिससे ये साफ समझ में आ रहा था कि वो भेड़िए जरूर मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। मिहिर की बात सुनते ही आलिया अपनी हंसी रोक नहीं पाई और उसने हंसते हुए कहा, बस करो मिहिर, तुम भी ना, तुम भला कैसे जानते हो कि उन भेड़ियों ने तुमको थैंक यू बोला? तुम भी ना कुछ भी अपने आप से सोचकर मत बोलो यार, तुम्हें क्या लगता है वो भेड़िए थे या इंसान जो तुम्हें इस तरह से थैंक यू बोलेंगे? यार मीर, कुछ तो सेंस वाली बात किया करो। अब मैं तुम्हारी बात सुन रही हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कुछ भी बोलोगे। मिहिर ने आलिया की बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने तो बस उस जगह पर जितना फील किया वो सब तुम्हें बता दिया। आखिर तुम ही तो पूछ रही थी, वरना मैं तो तुम्हें ये बात बताने भी नहीं वाला था। मिहिर को ऐसे बोलते देखकर आलिया को फील हुआ जैसे शायद उसके हंसने की वजह से मिहिर उसे थोड़ा सा अपसेट हो गया है, क्योंकि आलिया ही उसे बार बार सारी बातें पूछ रही थी। अब आलिया मिहिर से इस बारे में और कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी अब अगर उसने कुछ बोला तो शायद मिहिर को बुरा लगेगा। इसलिए आलिया ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, ओके अच्छा चलो ठीक है, अब मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करूंगी और ना ही तुमसे कुछ पूछूंगी। वैसे हाँ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। तन्मय मुझे 2-3 दिनों से होटल में नहीं दिखा। आलिया की बात सुनते ही मिहिर का ध्यान उसकी तरफ गया और उसने कहा, हो सकता है कि वो सुधरने की कोशिश कर रहा हो, या फिर हो सकता है वो कोई दूसरा प्लान बना रहा हो। ओके उसे छोड़ो, तुम ये बताओ उसके डैड अरविंद अंकल कैसे हैं? मिहिर की बात सुनते ही आलिया ने मिहिर को दिलासा देते हुए कहा, अरविंद अंकल के पास इस टाइम रेस्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैंने तुमसे बताया तो था कि वो दूसरे दिन ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे, और घर जाने के बाद वो तब से बेड रेस्ट पर ही हैं, इसलिए अब उनके बारे में तुम टेंशन लेना छोड़ दो मिहिर। मिहिर ने आलिया की बात सुनकर बेबसी से हां में अपना सिर हिलाया। आलिया ने मिहिर को देविका के बारे में बताया। वैसे देविका आजकल ज्यादा अच्छे मूड में नहीं है, मैं उससे कई बार मिलने गई लेकिन वो इस बारे में बात करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसे अपने भाई की हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वो इस बात को लेकर कोई एक्शन नहीं ले पाती, इसलिए वो बेचारी काफी ज्यादा परेशान है और खुद को बहुत हेल्पलेस फील करती है। मिहिर ने आलिया की बात सुनकर हां में सिर हिलाया। आलिया ने मिहिर की तरफ देखा और कहा, वैसे अरविंद अंकल और तन्मय के साथ जो हुआ उससे देविका का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी बेचारी पर उन बातों का काफी फर्क पड़ा है, और साथ ही तन्मय को कहीं पर भी बाहर नहीं देखा गया, तो हो सकता है शायद उसके डैड ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया हो, क्योंकि ऑफिस भी सिर्फ देविका ही जा रही है। आलिया ने मिहिर को सहाय परिवार की पूरी सिचुएशन बताई। मिहिर ने आलिया की पूरी बात सुनकर कहा, भले ही हमने इस बार तन्मय सहाय को पनिश किया हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, चलो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं और ना ही इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि उस तन्मय ने न जाने कितने पाप किए हैं और अब मैं उससे किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं करना चाहता। मिहिर की बात सुनकर आलिया ने अपनी पलकें झपकाई और मिहिर के हाथ पर अपना हाथ रखा। मिहिर ने द वर्ल्ड होटल के बारे में पूछते हुए कहा, वैसे ये बताओ आलिया, तुमने कहा था कि द वर्ल्ड होटल के शेयर्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या तुमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और होटल का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है? आलिया ने उसकी बात सुनते ही मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ही होटल काफी अच्छा चल रहा है मिहिर, तुमने जो भी ऑफर्स लोगों को दिए हैं वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आए हैं, और होटल की बुकिंग एडवांस में चल रही है। तुम्हारे सारे बिजनेस आइडियाज सुपर्ब होते हैं मिहिर। मिहिर ने आलिया को इतना खुश देखकर सिचुएशन को एक्सप्लेन किया और कहा, तुम्हें पता है आलिया, मुंबई में न जाने कितने सारे 5-स्टार होटल हैं, इसलिए मैं हमेशा ही सबसे अलग कुछ करने की सोचता हूँ, क्योंकि जो सारे लोग कर रहे हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो जाती है, इसलिए अगर सबके बीच में तुम्हें खुद को अलग दिखाना है तो तुम्हें अलग चीजें भी करनी होंगी, इसलिए कुछ भी करने से पहले तुम्हें सिर्फ पैसे के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि बिजनेस में और भी कई सारी चीजें होती हैं जो पैसे से ज्यादा काम आती हैं। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? आलिया ने मिहिर की बात सुनकर हां में सिर हिलाया और कहा, हां बिल्कुल, आखिर मैं भी थोड़ा बहुत बिजनेस करना तो जानती हूं। किसी भी बिजनेस में पैसा कमाने से बड़ी चीज नाम कमाना होता है, और नाम कमाने के लिए कस्टमर का दिल जीतना सबसे जरूरी होता है। मिहिर ने हां में सिर हिलाया। इतना बोलकर आलिया उठी और बोली, ओके मेरा खाना हो गया। आलिया अपनी प्लेट ले जाकर किचन में रख रही थी कि तभी मिहिर भी किचन में आया और उसने पीछे से आलिया को हग कर लिया। आलिया ने मिहिर के हाथों पर अपना हाथ रखा और कहा, क्या हुआ मिहिर, क्या सोच रहे हो? मिहिर ने आलिया के गाल पर किस किया और कहा, कुछ नहीं। आलिया ने मिहिर का हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और कहा,
तुम आज ही सफर से लौटे हो, तुम्हें थकान नहीं हो रही क्या? मिहिर ने आलिया की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल भी नहीं। और तुम ही सोचो, अगर किसी की इतनी प्यारी मंगेतर हो और वो उससे इतने दिनों बाद मिल रहा हो तो भला उसे थकान कैसे हो सकती है? बल्कि तुम्हारा तो चेहरा देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। क्या मिहिर का अंदाजा सही है कि तन्मय सुधर गया है या फिर वो कोई नया प्लान बना रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।